आईटीवी फाउंडेशन से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। जीरापुर से मजदूर लोग अपने घरों को यूपी की ओर पैदल जाते हुए देखते रहिए। आईटीवी फाउंडेशन से जो मुहिम चलाई गई है कि जो लोग कर्फ्यू फंसे उनका खाना पहुंचाया जाए, राशन पहुंचाया जाए और जो जरूरी सामान पहुंचाया जाए। आज सेठी ढाबा वाले जीरकपुर में सोनू सेठी जी हमारे साथ है, जिन्होंने हमें चंडीगढ़ में फोन किया। हम यहाँ पे चल कर आए हैं, इनकी समस्या सुनते हैं कि जो लोग इनके साथ बैठे हुए हैं ये उनकी जानकारी देंगे कि इन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। मैं पहले तो आईटी फाउंडेशन वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जी, जो साढ़े एक सदे तो इतने आए हैं जीरकपुर। और जीरकपुर के रोज़ाना हज़ारा इस तरीके के मुसाफिर छोटे छोटे बच्चों के नाल अपना घर बार छड़ के जा रहे हैं जी। असं इतने लोगों के नाल गल्लां कीतियां ने भी तुसीं छड़ के क्यों जा रहे हो, क्योंकि बीमारी तो सारे देश के विच आई हुई है। जिते तुसीं जा रहे हो उत्थे भी तो बीमारी हैगी है, भी उत्थे कहिहड़ा इहदा कोई हल हैगा आ। सो ये लोग ये कह रहे हैं जी, कोई कहिंदा जी साढ़े कोल जी साढ़े मालक किराया मंग रहे हैं, वो कहते हैं भी जे तुसीं साडा किराया नहीं दोगे तो अपना समान चक लो। इन्हां दे विचों इस तरीके से बहुत लोग ने जिन्हों को मालक वालों की किराया मंगया जा रहा, और सरकार वालों इन्हां नूं कोई सहूलत नहीं दी जा रही। ये दिखाओ छोटे छोटे बच्चे। हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हो? हरदोई। ओए हरदोई, ये हरदोई यहाँ से कितनी दूर है? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर है। आपने क्या सोच रखा है कि आप आज यहाँ से पैदल चलोगे तो कितने देर में पहुँच जाओगे हरदोई? यानी 6-7 दिन तो लग जाएंगे। एक दिन में अगर बंदा 50 किलोमीटर चलता है, चलो जी देखो जी, एक बंदा एक दिन के 50 किलोमीटर चल सकता, क्योंकि 40 डिग्री का टैंपरेचर है, कड़ाके की गर्मी पै रही है, और 15 दिनों पहुंचेंगे। इस बात का क्या यकीन है कि आपको रास्ते में कहीं आपको खाना मिल जाएगा या कोई लंगर मिल जाएगा? आपने कुछ सोच रखा खाने के लिए? चलो जरूरी नहीं है, मिल जाएगा। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? आप सभी हरदोई के हो? आप यहाँ से मुझे ये बताइए, आप यहाँ से क्यों छोड़कर जा रहे हो? अच्छा, आपको कमर से निकाल दिया है? अच्छा, कमरे वाले आपसे किराया मांग रहे हैं, हैं? वो कहते हैं किराया दो। अच्छा, किराया लेके भी आपको छोड़ दे? आपको भी ऐसे हुआ जी कि मकान मालिक आपसे किराया ले रहे हैं? हाँ, वो कहते हैं कि अगर किराया नहीं दोगे तो हम आपको घर से निकाल देंगे। हाँ देखो जी, कितने है जी सरकार जी, एडे बड़े बड़े दावे करती है कि कोई भी किसी को किराया नहीं मंगेगा, है जी। मैंने गल दसो, जे सरकार किसी को जे सरकार ने हुक्म किया है भी कोई बंदा किसी को किराया नहीं लेगा, जिहड़ा किराया मंगे उहदे उत्ते कार्रवाई की जाएगी। जे इहो जिहे बंदे उत्ते कार्रवाई की जाती ना, तो इस तरह के लोग सड़कां तरह बैठे होंगे, इस तरह के बच्चे छोटे छोटे सड़कां तरह बैठे होंगे। जे आही हालात कितने तुहाडे हो जाए ना, जिन्हां दी कोठियां ने बंगले ने उन्होंने कितने इस तरीके से अपने शैडा बैठना पै जाए, अपने छोटे छोटे बच्चों के नाल चौल खवाने पैन, अगर टिकाने आ जाएगी तुहाडे वड्डे वड्डियां दी लख लाणता ने इस तरह के कानून दे। इधर पुछो, देखो आ दिखाया छोटे छोटे बच्चे, देखो इधर ख्याल रखियो, ये लोग थोड़ी कदे वफादारी नहीं करेंगे। इन्होंने थोड़े को एक महीना रोटी नहीं खवाई गई, देखो इधर तुम आप सोच सकते हो जी, जे तुम आप कि पैदल निकलो हरदोई वास्ते, और बाहर देखो गर्मी कि पै रही है, एसी के सवाल जवाब करने बड़े सौखे होंगे ने, सलाहां देनियां बड़ी सौखिया होंगे, कि 10 मिनट वास्ते कि आप बंदा इतने खड़े होइए ना, अपने धुप के सारा पसीना पसूना निकल जाएगा। और 15 दिन कोई उम्मीद नहीं है कि कितने लंगर मिलेगा इन्हों, कितने इन्हों रोटी मिलेगी। उत्तों की बरसातों के दिन ने, और मौसम का कुछ नहीं पता है किस वक्त बरसात पै जाती है, उत्तों की बीमारी का डर है, उत्तों रोजी रोटी का डर है। सब तो वही गल यह है कि हरदोई जाके भी कोई ये नहीं है कि इन्हों उ कोई काम कार मिल जाएगा, कोई रोजी रोटी मिल जाएगी। सो जो सरकार ने ऐलान किया है भी जो कोई किराएदार किसी को किराया मंग रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होएगी। मैं तो कहना जी 15-20 बंदे इस तरह के उन्होंने अखबारों के फोटो लवाओ भी आ बंदे किराया मंग रहे थे, ताकि समाज के हर एक बंदे अकल आए। जिमें कि पुलिस ने स्टार्टिंग के बंदे कुटे थे भी, जो बंदा बाहर आएगा वो कुटाई हो रही थी,
और कटाई के डर तो ही लोग अब अपने घर बैठे ने उस तरीके दे नाल ही इस करफ्यू के जिहड़े मकान मालक किराया मंग रहे हैं 20-25 बंदियां दीआं अखबारां विच फोटो आ जाण ना तां इहनां विचों दी मेरे ख्याल दे विच कोई भी अपने पिंड नहीं जाएगा। बाकी करना कराना ITV फाउंडेशन से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। जीरापुर से मजदूर लोग अपने घरों को यूपी की ओर पैदल जाते हुए देखते रहिए ITV।